स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कई दिनों से मेजर साहब की वीडियो नहीं देखी है, तो आज सोचा उनका ही एक मिक्स रिएक्शन बनाते हैं। तो इस वीडियो में मेजर साहब पाकिस्तान में बढ़ती हुई पेट्रोल की प्राइसेस और वहाँ की अनियन प्राइसेस जो कि 320 रुपये किलो पहुँच गए हैं, उसी पर मेजर साहब बात करने वाले हैं। और उनका इन्फ्लेशन रेट भी 25 से ज़्यादा हो गया है और फॉरेन रिजर्व्स दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। प्रधानमंत्री राव, जो भी राष्ट्रपति राव, निकम्मे थे, सारे के सारे निठल्ले, किसी को कुछ नहीं आता था। ये अमरीकी डॉलर थे जो पाकिस्तानी खुशियां मनाते ना। पर मैं खालिस्तानियों को डिबेट पे चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है? जो भी खालिस्तान का प्रवक्ता है जो बाहर रहता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अमरीका को गाली भी देंगे, अमरीका में सेटल भी होंगे, अमरीका का पासपोर्ट भी चाहिए, अमरीका की सिटीजनशिप भी चाहिए, ये पता। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। हाँ, आप अंकल, आप चाणक्य डायलॉग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा, पाकिस्तान में जो इशाक डर है उनका फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक ही झटके में 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, फ्यूल की कीमत एक झटके में 35 रुपए बढ़ा दी। अच्छा, मैं पुराने वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था, ऐसा कर क्यों रहा है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान ने 22 बार IMF को झूठ बोला। ये 23वीं बार है जो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जाएगा, इसके पहले 22 बार जा चुका है भाई, वो 22 बार कटोरा फेंक चुका है IMF के मुंह पर, ले और दे, ये हो चुका है 22 बार। अच्छा, हर समय पाकिस्तान झूठ बोलता है IMF से। भारत एक बार गया था IMF के प्रोग्राम में, और तब भारत ने बोल दिया था कि हम अपना सिस्टम ठीक कर देंगे, इकोनॉमी लिबरलाइज कर देंगे। भारत ने कर दिया, आज की तारीख 1991 में गया था, नहीं है बिल्कुल राइट। लेकिन पाकिस्तान ने 22 बार झूठ बोला IMF से। इस बार गोरो ने पकड़ लिया उनको। गोरो ने बोला, देख बेटा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सबसे पहले जो हम कह रहे हैं वो करो, और अब जब तुम कर इसको खत्म कर लोगे, यानी कि करके तुम पूरा जो हम कह रहे हैं 1 to 10 तुम कर लोगे, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं कि नहीं। जो हमारी शर्त है, पहले पूरी करो, फिर पैसे मिलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान बड़ा परेशान हो गया इस चीज को लेकर, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में कि पहले करो फिर। वो तो हर समय पाकिस्तान लोगों को ब्लैकमेल करता था, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एटमी ताकत है, किसी और के हाथ में एटम बम चले जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, सैलाब आ जाएगा, बम फूट जाएगा, कुआं खोद देंगे, ये सब बोलते रहते थे पाकिस्तानी। अब उन्होंने बोला, यार तुम्हें जो कुआं खोदना है खोदो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं काम करो, सबसे पहले ये काम करके लाओ, तब पैसे की बात करना, तब हम सोचेंगे। अब पाकिस्तान सक पकड़ गया, तो गैस के दाम बढ़ा दिए, इसके दाम बढ़ा दिया, 35 रुपए पेट्रोल के। अब पाकिस्तान में जो कल रात के दाम थे पेट्रोल के, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, पेट्रोल का हो गया है 249.80 पर लीटर पाकिस्तानी, यानी कि लगभग 250 रुपए का पेट्रोल हो गया, ठीक है। हाई स्पीड डीजल है 262.80, 262.80, केरोसिन ऑयल 189.83, यानी 190-190 लगा लो आप मोटा मोटी, और लाइट डीजल ऑयल हो गया 187 रुपए पर लीटर। कई कई जगह पाकिस्तान में यह भी हो रहा है दोस्तों कि लोग जा रहे हैं और मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, और पेट्रोल पंप वाला कह रहा, नहीं सिर्फ 200 रुपए का डलवाओगे तुम। अब 200 रुपए एक लीटर भी नहीं, क्या बेचारा डलवाएगा, क्या करेगा। ऐसे कई जगह राशनिंग होना शुरू हो गई पाकिस्तान में, पाकिस्तान में राशनिंग होना शुरू हो गई और बहुत मारा मारी है। मैं आपको एक आध बताता हूं चीजें, ये पाकिस्तान में, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए, ये देखिए भारत का बिग बास्केट, आपने देखा होगा, मैं कोई भी आप बिग बास्केट ले लो, अमेजोन ले लो, जो मर्जी ले लो, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। फ्रेश अनियन 5 किलो, 5 किलो ताजा अनियन जो भारत में है वो 151 रुपए के हैं, यानी कि 151 रुपए में 5 किलो, 5 राइट, 5 किलो मिलेंगे आपको 151 रुपए में। और वहीं पाकिस्तान में बता रहे हैं, ये देखिए डॉन न्यूज की हेडलाइन क्या कहती है, 320 रुपए पर किलो, किलो यानी कि आप लगभग एक लगा लीजिए कि जितने में पाकिस्तान में 1 किलो प्याज मिलता है। वैसे तो देखो करेंसी का डिफरेंस है, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यहां पे 10 किलो आ जाएगा, 81 है वहां पे, तो 260-270 का गेम चल रहा है, लेकिन हम लोग कमा भी तो इसी में रहे हैं और फिर खर्च भी इसी में कर रहे हैं, तो वो फॉल्स इक्विवेलेंस हो जाता है राइट।
कितने गुनी ज्यादा वहां पे महंगाई है, 320 रुपए पर किलो प्याज है यहाँ पे, क्योंकि जो ईरान से आया था इन लोगों ने, याद है वो वीडियो जब इन्होंने बोला था कि ये तो शिया प्याज है और काफिर प्याज है और ये सब, ये पागल लोग है सब, पाकिस्तानियों ने ड्रामा कर दिया। अब अगर आप पाकिस्तानियों का ये देखे, मैं आपको यू नो आई जस्ट शो यू दिस चार्ट, और मैं चाहता हूँ आप लोग ये चार्ट देखें। इन्फ्लेशन रेट 25%, ये है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट, आप ये देख लीजिए 25% से ऊपर जा रहा है इनका इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट देखिए इंडिया का। और दूसरा देखिए फॉरेक्स रिजर्व्स कंटिन्यू टू टंबल, जनवरी 2023 में, यानी कि इस महीने, ठीक है आज हो गई हमारी 30 तारीख को पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं एक्चुअली पाकिस्तान के $3.5 अरब के आसपास हैं, राइट $3.5 अरब, जिसमें से कि $3 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए, बोला बेटा खर्च नहीं करना इसको, ऐसे ही रखे वो भी खर्च, अब उसको भी खर्च करेंगे, पाकिस्तानी मरता क्या ना करता। लेकिन ये मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया कि आप लोग आराम से समझ जाओ। एक तरफ आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, आप ये ग्राफ देखिए पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में, और स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देखिए फॉरेक्स जो पाकिस्तान के इतने सालों से क्या इनकी दुर्गत बनाई गई है। ये कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान के समय बहुत अच्छा हुआ, देखिए ऐसा है ना कि अच्छा कुछ नहीं हुआ किसी के समय भी पाकिस्तान में, किसी के किसी भी, जो भी इनका प्रधानमंत्री रहो जो भी राष्ट्रपति रहो, निकम्मे थे सारे के सारे, निकम्मे, किसी को कुछ नहीं आता था, अमरीकी डॉलर थे जो पाकिस्तानी खुशियां बनाते ना, और परवेज मुशर्रफ के टाइम हमारी इकोनॉमी थी, तब तुम क्या बनाते थे भाई, कौन सा टीवी और कौन सी गाड़ियां बनाते थे, कौन से जहाज बनाते थे, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाते थे जिससे तुम्हारा पैसा आ रहा था, जो इतने खुश हो रहे हो मुशर्रफ के टाइम पे, तब भी तुम वही जांगिया बनियान तौलिए यही सब बनाते थे, आज भी वही बनाते थे। यू डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग टू टॉक अबाउट। कहने की बात यह है कि तब अमरीकी डॉलर आते थे, ये पाकिस्तान क्यों पस्त हो गया, इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ चोर है या नवाज शरीफ चोर है, वो तो है पर उसकी वजह से खराब नहीं हुआ, जो इमरान खान कहता है कि सभी चोर है, नहीं, इमरान खान को भी बुद्धि नहीं है ज्यादा, इमरान खान डज नॉट हैव ब्रेन्स, इमरान खान ही इज, मतलब वो पता नहीं कैसे ऑक्सफोर्ड में क्या उसको कैसे घुस गया ऑक्सफोर्ड में वो, लेकिन इमरान खान इज ही इज अ पॉलिटिकली सैवी पर्सन बट ही इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल, उसका दिमाग विमाग नहीं है ज्यादा। ये क्यों हो रही है बेकदरी, ये बेकदरी इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिकन अफगानिस्तान से निकल गए, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, इसमें इशाक डर की गलती नहीं है, इसमें और मिफ्ता इस्माइल की गलती नहीं है, इसमें जितने पहले आए थे उनकी गलती नहीं है, सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का खा रहा था, क्योंकि अमेरिकन और दुनिया भर वहां पर डॉलर फेंक रहे थे, पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा था, अमेरिका ने अपने हाथ झाड़े, बोला ठीक है भाई राम राम हम चलते हैं, ये लोग घुटनों पर आ गए। और इमरान खान इतना बड़ा जाहिल, इतना बड़ा बेवकूफ, इसी चीज का सेलिब्रेट कर रहा था कि जहनी आजादी हो गई अफगानों को, फलाना हो गया ढिम, मिल गई जहनी आजादी, 320 रुपए किलो प्याज घा रहे, हो गई जहनी आजादी तुम्हारी, और यहां पे मोदी जी और चूड़ियां कस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का जरा दोबारा से लिखना पड़ेगा, मित्रों क्या चल रहा है, जरा लाओ कागज लाओ, 90 दिन का टाइम दे दिया है आप लोगों को, हो गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मजे आ रहे हैं आपको, यही मजा आपको मिलता रहेगा, यही मजा आपको मिलता रहेगा। और देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में, तो एक ही बार में 35 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा रही है, 250 रुपीस पर लीटर हो गया है, और कई जगह पे जैसे मेजर साहब कह रहे हैं कि 200 रुपये का ही पेट्रोल दे रहे थे, उसमें तो एक लीटर भी नहीं आएगा, आदमी क्या करेगा, लेकिन इन लोगों के पास पैसा भी नहीं इम्पोर्ट करने के लिए, तो इससे भी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि जैसे ये लोग जा रहे हैं वहाँ पेट्रोल के लिए भी श्रीलंका की तरह लंबी लंबी लाइन लगेगी और मारामारी होगी, क्योंकि इनके पास फॉरेन रिजर्व्स भी, अब तो मैं आज ही डिफेंस डिटेक्टिव वाला आलोक सर का ट्वीट देख रहा था कि $3.09 बिलियन ही रह गए हैं, तो कुछ हफ्तों के लिए ही शायद ये इनफ होगा इम्पोर्ट बिल पे करने के लिए। और अनियंस का भी कंपेरिजन किया जो कि पाकिस्तान में 320 रुपये किलो मिल रहा है और इंडिया में 150 रुपये के 5 किलो, वो भी ऑनलाइन जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं वो अगर शायद मार्केट में जाए तो उससे भी सस्ता आपको 5 किलो मिल जाए। तो मुझे कमेंट में लिख के बताए कि इंडिया में वैसे मार्केट में जाए तो अनियंस की प्राइस क्या है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन हुआ तो डिलीवरी फीस या एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाते हैं, तो शायद
इसे भी सस्ते मार्केट में मिलता होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में आम आदमी को 1 किलो अनियंस खरीदने हैं तो उसको 320 रुपये में मिलेगा, अगर वो मिल जाता है तो, क्योंकि कई जगह पे तो मिल भी नहीं रहे। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।